क्या आपके बच्चे भी फल और सब्जी नहीं खा रहे हैं? आर दे चूजी अबाउट देयर डाइट एंड यू आर कंसर्न कि मैं कैसे इनको सब फल और सब्जी खिलाऊं? अगर आपकी भी यह समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, दिस इज डॉक्टर वैशाली और आज का जो वीडियो है ये स्पेशल टिप्स मैं कुछ दूंगी बिकॉज ये एक घर घर की कहानी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। इट प्रोवाइड्स गुड हाइड्रेशन। At the same time, it gives you very good, you know, phytonutrients. Phytonutrients are actually, you know, उसके जो colors होते हैं उसमें से हमको मिलते हैं। Phytonutrients are very important to improve your immunity. So first tip मैं यहाँ देना चाहूँगी कि हमेशा आपके जो fruits है वो सामने रखिए, because जो सामने जो दिखता है ना, suddenly कभी भूख लगी तो हमने banana उठा लिया, चीकू उठा लिया, या फिर apple है उसको हम खा सकते हैं। बहुत बार बच्चे जो है कि फ्रिज खोल के देखते हैं कि अंदर क्या है, मैं क्या खाऊँ। क्विक बाइट फ्रूट जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हो, बेरीज हो, इसको आप हमेशा वॉश करके सामने या फ्रिज में आप रख सकते हो ताकि यू नो जब भी बच्चों को भूख लगे एंड वो फ्रिज का दरवाजा खोले वो सामने दिखे तो इमीजिएटली दे कैन हैव इट। इवन सीड्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स जो है उसके स्मॉल पैक्स बना के आप फ्रिज में रख सकते हो। यू कैन कीप इट इन योर पर्स। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं एंड हमको भूख लगी तो इंस्टेड ऑफ यू नो ईटिंग सम जंक हम वो कंज्यूम कर सकते हैं। आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में उसको डाल सकते हैं ताकि उनको वो आदत पड़ जाए। थोड़ा हमको भी क्रिएटिव बनना पड़ेगा। वी कैन मेक दोज चीज, चेरी, पाइनएप्पल स्टिक्स बिकॉज दे आर सो टेम्पटिंग। उस बहाने बच्चे उसको इजीली खा सकते हैं। बच्चे हमेशा रूटीन खाने से बोर हो जाते हैं सो हम उनका खाना थोड़ा कलरफुल बना सकते हैं। मेक सम पालक प्यूरी, बीट प्यूरी एंड उससे हम चपाती, नान, पराठा कुछ भी बना सकते हैं। अनदर वे टू कंज्यूम फ्रूट इज यू नो यू कैन मेक स्मूदीज या मिल्क शेक आउट ऑफ इट। कभी कभी कुछ फ्रूट्स जो सीजनल बाकी सीजन्स में अवेलेबल नहीं होते सो यू कैन ऑलवेज फ्रीज इट। छोटे पीसेस करके आप उसको फ्रीजर में डाल सकते हैं। अभी आपको मिल्कशेक या स्मूदी बनाना है तो जस्ट टेक आउट दोस फ्रोजन फ्रूट एंड यू कैन मेक इट। नो नीड टू ऐड एनी एक्स्ट्रा आइस इनटू दैट। यू कैन मेक फ्रूट बॉल्स। इट इज वेरी गुड फॉर यू नो स्नैकिंग। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मिक्स करके आप एक अच्छा कलरफुल सैलड बना सकते हैं। यू कैन ऐड फ्यू रोस्टेड सीड्स एंड नट्स इनटू दैट। यू नो इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। बहुत बार हमको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती एंड वी जस्ट वॉन्ट टू हैव समथिंग लाइट, सो सूप इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर दैट। अलग अलग वेजिटेबल्स मिक्स करके आप उसका सूप बना सकते हैं। फ्रोजन फ्रूट से आप डेजर्ट भी बना सकते हैं। सो यू नो व्हाट, हमारे बच्चे तो स्मार्ट बनेंगे। दे विल फाइंड आउट द डिफरेंट वेज टू नॉट टू ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बट हमको उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनना पड़ेगा एंड अपने तरीकों से उनको वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खिलाना पड़ेगा। आई होप मेरे आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे।